गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार आपके सामने श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप में स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। तो अपना सब्जेक्ट रहेगा राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्लासें लगाएंगे। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो शुरुआत करेंगे पॉलिटिकल साइंस में बीए पार्ट सेकंड की। जो बीए कर रहे हैं विद्यार्थी सेकंड ईयर के, उनकी क्लास रहेगी आज विशेष तौर पे। तो मेरा आग्रह यही रहेगा आपसे कि आप साथ साथ में अपनी क्लासें हैं नोट करते जाना, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके दो फायदे हैं। राजनीति विज्ञान में बीए पार्ट सेकंड पढ़ेंगे तो राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कंपटीशन के क्षेत्र में, हर जगह, हर चाहे किसी भी क्षेत्र, कहीं भी चले जाना वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल का अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो हर कंपटीशन में आने वाला ऐसा सब्जेक्ट है। तो जिसको इसको साथ साथ नोट करोगे, साथ साथ पढ़ोगे तो काफ़ी इजी रहेगा। तो बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर की। बीए पार्ट सेकंड ईयर की बुक का नाम है, बुक आपसे पूछ ले किस बुक का, हम जिस बुक का अध्ययन करेंगे वो बुक है भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था, या हम कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो इंग्लिश में कहेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, हिंदी में कहेंगे भारतीय राज व्यवस्था। बात करेंगे भारतीय राजव्यवस्था की। तो भारतीय राजव्यवस्था में जो मुख्य, जो आपके सामने आने वाली चीज़ें हैं वो हैं, आपसे पूछ लें जैसे भारतीय राजव्यवस्था में संविधान आएगा, संविधान के बारे में, मौलिक अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, लोकतंत्र है, भारत की बात करें राज्यसभा, लोकसभा है, विधानसभा है। तो ये भारतीय राजव्यवस्था के जितने भी प्रमुख अंग हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या फिर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो ये भारतीय राजव्यवस्था में आएंगे, ये आपको अध्ययन करने पड़ेंगे। तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उन पॉइंटों को देखें तो विशेष परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब एग्जाम की किसी की कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ये महत्वपूर्ण है। बात करेंगे भारतीय राजव्यवस्था की, इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम की। इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो इसमें संविधान, सबसे पहले आपकी जो यूनिट है वो है संविधान से संबंधित। प्रथम जो यूनिट आएगी आपकी, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा आपका कि संविधान का विकास क्रम समझाइए। तो संविधान आपसे पूछ ले कि संविधान किसे कहते हैं, कि इसकी परिभाषा पूछ ले कि संविधान किसे कहते हैं। तो कहोगे संविधान सभा द्वारा बनाए गए कानून को संविधान कहते हैं, आर्टिकल को। कि भारतीय जो संविधान सभा थी, जिस संविधान सभा ने जो कानून बनाए थे, जो आर्टिकल बनाए थे, उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। अब पूछा जाए आपसे, वैसे आपको पता ही है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अपना जो संविधान है वो बन के तैयार हो गया था। हम इसमें पढ़ेंगे कि विकास क्रम क्या पढ़ेंगे, संविधान का विकास क्रम। अपना मुख्य जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा संविधान का विकास क्रम, क्योंकि यूनिट का पहला क्वेश्चन यही बनता है कि संविधान का जो विकास क्रम है उसे समझाइए।
तो संविधान का विकास क्रम का अध्ययन करेंगे कि जो भारतीय संविधान है वो कब से प्रारंभ हुआ था। जाहिर सी बात है कि भारत में पहले किसने शासन किया, मुगलों ने शासन किया। हम पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ोगे आपकी मुगलों का शासन था। मुगलों के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पे क्या कर लिया, शासन कर लिया। अंग्रेज आए थे भारत में, कहने का मतलब 16वीं शताब्दी में आए थे, जैसे बक्सर का, प्लासी का, तराइन त्रित्य का युद्ध जीतने के बाद उन्होंने भारत पर अधिकार एक कब्जा कर लिया। और उन्होंने शासन करने के लिए जो नियम जो कानून बनाए थे उसे ही भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, विकास क्रम कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का विकास क्रम पूछ ले कि 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन के समय से ही, जब अंग्रेज भारत आए थे, भारत के आने के दौरान ही धीरे धीरे उन्होंने शासन करने की प्रणाली जो नियम बनाए तो वो भारतीय संविधान का विकास क्रम बन गया। और यही धीरे धीरे आगे चलकर, जैसे 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो 1947 में आज़ाद होने के बाद भारतीय संविधान सभा या भारतीय लोगों की सभा द्वारा जो कानून बनाए गए वो क्या कहलाया, भारतीय संविधान कहलाया। कहने का मतलब जो वर्तमान में भारतीय संविधान हम पढ़ते हैं कि जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, इसके अलावा 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, जो वर्तमान में हम संविधान पढ़ते हैं उसकी देन है कि अंग्रेजों द्वारा प्राचीन काल में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियमों से जो नए संविधान को रूपरेखा मिली है उसके बारे में बात करेंगे, संविधान के विकास क्रम की। तो शब्द है इसमें एक संविधान, संविधान। अब संविधान पूछ ले कि संविधान है वो कौन सी ट्यूरे शब्द से बना है, किससे बना है, आपसे पूछ ले संविधान जो शब्द है वो कौन सी ट्यूरे शब्द से बना है, जिसे क्या कहते हैं, कौन सी ट्यूरे किससे बना है, कि जो संविधान जो शब्द है वो कौन सी ट्यूरे शब्द से बना है। कहने का मतलब कौन सी ट्यूरे जो शब्द है वो लेटिन भाषा का है, किस भाषा का, लेटिन भाषा का। आपसे पूछ ले कि कौन सी ट्यूरे जो शब्द है वो किस भाषा का है, तो कहोगे कौन सी ट्यूरे शब्द लेटिन भाषा का है। लेटिन भाषा के, लैटिन भाषा से बना है, पूछ ले किससे बना है, लैटिन भाषा से, तो संविधान कौन सी ट्यूरे शब्द। इसके अलावा पूछ ले कि लैटिन भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है, अर्थ पूछ ले कि संविधान का लैटिन भाषा में या कौन सी ट्यूरे, या कौन सी ट्यूरे का अर्थ क्या होता है, तो कहोगे प्रशासन, प्रशासन या बनाना, क्या कहोगे, प्रशासन या बनाना। तो पूछ ले संविधान शब्द किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा, किससे मिलके बना है, कौन सी ट्यूरे शब्द से बना है, इस कौन सी ट्यूरे शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रशासन या बनाना। पूछ ले इसका अर्थ प्रशासन या कहोगे बनाना होता है संविधान का। तो इसके बाद बात करें कि जो संविधान है भारतीय, भारतीय, भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा, द्वारा बनाए गए, गए कानून जो सभा कहलाते हैं और सभा ही, और सभा ही संविधान है। दो परिभाषाएं होगी कि संविधान सभा द्वारा बनाए गए कानून संविधान है, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानून को संविधान सभा कहते हैं, और इसी संविधान सभा से क्या बनाए, संविधान बनाए। तो हमने यहाँ तक अध्ययन किया, आपने नोट कर लिया होगा कि भारतीय राजव्यवस्था की बुक पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट संविधान, संविधान हम पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रिटिश काल से ही प्रारंभ हो गया था। परिभाषा, संविधान सभा द्वारा बनाए गए कानून को संविधान कहते हैं। संविधान का विकास क्रम की बात करें तो संविधान है कौन सी ट्यूरे शब्द है से बना है जो लैटिन भाषा का है, अर्थ क्या होता है, प्रशासन या बनाना। बात करेंगे कि संविधान है, इस संविधान का जनक कौन सा देश है, जो हम संविधान पढ़ रहे हैं इस संविधान को बनाने वाला देश कौन सा है। तो जनक पूछ ले आपसे कि
संविधान का जनक इंग्लैंड देश है। बनाने वाला कौन सा देश है? इंग्लैंड देश। सबसे पहले जो संविधान है इसकी रूपरेखा, इसका प्रारूप है, वो बना था इंग्लैंड देश में। संविधान का प्रारूप किस देश में बना था? इंग्लैंड देश में। तो जनक कौन हो गया? इंग्लैंड देश हो गया। कहने का मतलब है कि इस इंग्लैंड देश में जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस इंग्लैंड देश में क्या कहोगे कि 17वीं व 18वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक क्रांतियां कि 17वीं 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड देश के अंदर लोकतांत्रिक क्रांति हुई थी। कहने का मतलब कि जनता द्वारा शासन करने के लिए क्रांतियां हुई थी, जनता द्वारा प्रत्यक्ष शासन, कि जहाँ पे मताधिकार का प्रयोग हो सके वो लोकतांत्रिक होता है। कहने का मतलब जनता अपने द्वारा खुद शासन को चुनती है। तो इस लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए लोगों ने क्रांति की थी इंग्लैंड देश के अंदर, और उसी लोकतांत्रिक क्रांतियों से जन्म लिया था किसने? संविधान ने। तो आपसे पूछ ले संविधान का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि या फिर हेनरी मेन के विचारों से, या फिर क्या कह सकते हैं कि इंग्लैंड देश का एक विद्वान था हेनरी मेन ने अपने जो विचार दिए थे उन्हीं विचारों से क्या बना? संविधान बना। तो आपसे पूछ ले कि संविधान किस देश में बना था? सबसे पहले इंग्लैंड देश में बना था। 17वीं 18वीं की जो शताब्दी के अंदर लोकतांत्रिक क्रांतियाँ हुई उनसे बना, या फिर हेनरी मेन के विचारों से बना। इसके बाद देखो कि जाहिर सी बात है हम पढ़ रहे हैं कि जनक इंग्लैंड देश है किसका? संविधान का। तो विश्व का सबसे प्राचीन संविधान, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान भी किस देश का हो गया? आपसे पूछ ले विश्व का सबसे प्राचीन संविधान भी बताओगे आप? इंग्लैंड देश का। कि विश्व में सबसे प्राचीन संविधान है वो इंग्लैंड का है। विश्व का प्रथम अलिखित संविधान, अलिखित संविधान कि विश्व में सबसे पहले वह देश कौन सा है जिसने अपने संविधान को नहीं लिखा? तो कहोगे इंग्लैंड देश कि इंग्लैंड देश ने अपने संविधान को नहीं लिखा था। इसके बाद पूछ ले विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान कि विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है? तो लिखित संविधान बताओगे अमेरिका का। किस देश का? अमेरिका का। कि विश्व में सबसे पहले जिस देश ने अपना संविधान लिखा था वो कौन सा था? अमेरिका था। इसके बाद पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो जिस देश के आप निवासी हो? इंडिया, भारत का। कि विश्व में सबसे बड़ा जो संविधान है वो किस देश का है? भारत का है। इसके बाद आपसे पूछ ले विश्व का सबसे नवीन संविधान, विश्व का सबसे नवीन संविधान बताओगे नेपाल का। कि नेपाल देश का विश्व में सबसे नवीन संविधान बना हुआ है। इसके बाद पूछ ले एशिया महाद्वीप का प्रथम लिखित संविधान
संविधान कि पूछ ले एशिया का प्रथम लिखित संविधान तो बताओगे जापान का। एशिया में सबसे पहले लिखने वाला देश जापान था। तो ये हो गया संविधान, संविधान की भूमिका। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, क्वेश्चन क्या होगा कि संविधान संविधान के विकास क्रम पर अपने विचारों का उल्लेख कीजिए, विचारों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन ये होगा आपके सामने, अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन क्या होगा कि संविधान के विकास क्रम पर अपने विचारों का उल्लेख कीजिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो पॉलिटिकल में ऐसा साधारण सा सीधा सा लॉजिक है कि सबसे पहले इसे पॉइंटों में विभाजित करना होगा, बांटना होगा। जितने आपके पॉइंट होंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। बात करेंगे तो आंसर लिखोगे तो सबसे पहले इसकी लिखोगे भूमिका की, भूमिका भूमिका की बात करें तो आपकी भूमिका कैसी रही है? देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्रशासन या बनावट। इसके अलावा संविधान का जनक इंग्लैंड देश है, 17वीं 18वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक क्रांति से बना था। हेनरी मेन के विचारों से ये क्या बना है, संविधान बना है। संविधान विश्व का सबसे प्राचीन संविधान पूछ ले, इंग्लैंड के बारे में बताओगे। विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी किसका था, इंग्लैंड का था। विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। विश्व का सबसे नवीन संविधान नेपाल का है। एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान का। ये क्या हो गई, इसकी भूमिका कह सकते हो या फिर परिचय कह सकते हो। क्वेश्चन का क्या हो गया, परिचय हो गया। इसके बाद इसके पॉइंट आएंगे कि विकास क्रम, तो हमने पढ़ लिया कि संविधान क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे कि संविधान का विकास क्रम। तो विकास क्रम जैसे आपकी बुक पे नज़र डालें, बुक पे देखोगे आप संविधान का विकास क्रम, बुक पे नज़र डालें तो आपको मुख्य तौर पे पढ़ना होगा 1909 वाला और 1919 का अधिनियम। दो मुख्य पॉइंट हैं आपके संविधान के विकास क्रम में, 1909 से भारत ने क्या लिया, 1919 वाले से क्या लिया, दो मुख्य हैं। लेकिन हमें संविधान का विकास क्रम है वो थोड़ा गहराई से जाना होगा ताकि आपकी तैयारी हो जाए, पता चल जाए कि कैसे संविधान का विकास क्रम। कहने का मतलब कि 16वीं शताब्दी में, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि 16वीं शताब्दी की बात करें तो ब्रिटिश जो कुछ लोग हैं वो भारत आए थे और उन्होंने शासन करने के जो नियम कायदे बनाए वही संविधान का विकास क्रम माना जाता है। लेकिन भारतीय पॉलिटिकल बुक के अध्ययन की दृष्टि से देखें, भारतीय बुक के अध्ययन की दृष्टि से देखें तब पता चलेगा आपको। पहला जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या कानून, सबसे पहले संविधान बनाने का जो क्रम है वो 1773 से प्रारंभ हुआ था। तो पूछ ले कि संविधान का प्रथम चरण, संविधान का प्रथम चरण जो अपना संविधान है उस संविधान का प्रथम चरण किसे माना जाता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को माना जाता है। इसके बाद पूछ ले कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है भारतीय संविधान का प्रथम चरण है। इसके अलावा इसमें क्या हुआ था कि इस एक्ट में कोलकाता जो पश्चिमी बंगाल की राजधानी है, कोलकाता में न्यायालय की स्थापना की गई।
न्यायालय की स्थापना, कि प्रथम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी, तो कहोगे 1773 में कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी। बात करें कि कोलकाता में इसी एक्ट के माध्यम से न्यायालय की स्थापना हुई। इस न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश पूछ ले कि प्रथम न्यायाधीश किसे बनाया गया था, कि जो प्रथम न्यायालय बना था इसका प्रथम न्यायाधीश बना था एम्परे, कौन बना था एम्परे। इसी एक्ट में बंगाल के गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल कर दिया, कि जो 1773 वाला एक्ट है, जो 1773 वाले का हम अध्ययन कर रहे हैं, कि इसी एक्ट के माध्यम से कोलकाता में क्या है कि संविधान का प्रथम चरण, कोलकाता में न्यायालय की स्थापना, इसी एक्ट में बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के क्या कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। क्या कहा जाता था पहले, उसे गवर्नर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गवर्नर। बाद में क्या बन गया, वो गवर्नर जनरल। पूछ ले कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, जनरल, तो प्रथम बताओगे वॉरेन हॉसिंगटन। वॉरेन हॉसिंगटन, या फिर अंतिम गवर्नर भी कौन था, वॉरेन हॉसिंगटन। इसके अलावा कंपनी के शासन के नियमों को लागू किया गया। जो कंपनी थी उस कंपनी के जो नियम थे उन नियमों को भारत में लागू कर दिया गया था, ताकि भारत में शासन प्रक्रिया है वो चलाई जा सके। तो अब आपसे पूछ ले कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था 1773 में, क्या था इसका कारण, संविधान का क्या प्रथम चरण है, इस एक्ट में कोलकाता में न्यायालय की स्थापना की गई थी, इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर का नाम है गवर्नर जनरल कर दिया गया, इस कंपनी के शासन के नियमों को लागू किया गया। तो आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान का विकास क्रम का या भारतीय संविधान का प्रथम चरण किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है, तो कहोगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को कहा जाता है। इसके बाद दूसरा देखो, 1773 के बाद में मुख्य बात क्या हुई थी, तो कहोगे 1773 के बाद मुख्य जो बात हुई थी वो है दो नंबर, नोट कर लिया होगा आपने, साथ साथ में नोट करते जाना भाई। 1781 का एक्ट, 1781 का एक्ट। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, 1781 के एक्ट को पढ़ेंगे। 1781 के एक्ट की बात करें तो इसका दूसरा नाम उपनाम क्या कहोगे, सेंटलमेंट एक्ट। क्या नाम दिया इसका, कि 1781 का जो एक्ट है इसका दूसरा नाम है सेंटलमेंट एक्ट। कि सेंटलमेंट, जाहिर सी बात है इस नाम से पता हो जाना चाहिए आपको, सेंटलमेंट मतलब समझौता करना, तो समझौता कि कोई जो पीछे कमियां रह गई थी ब्रिटिश शासन के नियमों में, कमियां रह गई थी उन कमियों के साथ समझौता करना था 1781 का एक्ट। तो सेंटलमेंट समझौता करना या फिर सांठगांठ करना, तो जाहिर सी बात है सेंटलमेंट का अर्थ क्या हो गया, इसे दूसरे नाम से हम कह सकते हैं कि 1781 का सेंटलमेंट एक्ट भी कहा जा सकता है। 1781 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश कंपनी
के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश कंपनी के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया। जाहिर सी बात है, किस लिए बनाया गया था? 1781 वाला एक्ट, सेटलमेंट, समझौता करने के लिए कि ब्रिटिश कंपनी जो भारत आई थी 16वीं शताब्दी में, उन्होंने बाद के बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था, उनको जीतने के बाद, जैसे अवध को, मगध को, इनको जीतने के बाद धीरे धीरे इन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस कंपनी के माध्यम से भारत देश में जितना भी भ्रष्टाचार फैला, कहने का मतलब रिश्वतखोरी फैली, उस रिश्वतखोरी को समाप्त करने के लिए कौन सा एक्ट लेके आई थी ब्रिटिश सरकार? 1781 का एक्ट लेकर आई थी। तो कितने हो गए अपने विकास क्रम में? दो। तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा पूछ लिया आपसे, 1784 का एक्ट। जाहिर सी बात है, देखो पहले में कंपनी शासन शुरुआत करती है, 73 में क्या करती है? देखो हमने 73 पढ़ी, 1781 पढ़ी, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? 1784। 73 में प्रथम चरण बताया था मैंने, मतलब प्रारंभ, शुरुआत हो रही है, शुरुआत, इसमें शुरुआत कर रही है कौन? ब्रिटिश कंपनी। इसमें शुरुआत कर रही है, इसमें क्या कर रही है कि शुरुआत होने के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी में भ्रष्टाचार फैल गया, उसको क्या कर रही है? 81 वाले में दूर कर रही। अब भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ तो इन्होंने क्या कर दिया कि प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया कि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ था जो अंग्रेजी शासन था उससे। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, 1784 का जो एक्ट है इसको, इसमें ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। अब जो ब्रिटिश कंपनी है वो अपने प्रशासनिक जो कार्य हैं, जो राजनीतिक कार्य हैं, वो अलग अलग तौर से करने लग गई, अलग अलग सिस्टम से करने लग गई। तो हमने कितने पढ़ लिए? 3। 1773 में शुरुआत होती है, 1781 में भ्रष्टाचार को दूर किया जाता है, 1784 में इसमें ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, बात करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गई है, आपने नोट भी कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो एक बार फिर पुनः सुन लीजिए ताकि आप नोट कर सको। सबसे पहले आपकी जो यूनिट रहेगी, बुक है अपनी भारतीय राजव्यवस्था, सेकंड बुक है आपकी बीए पार्ट सेकंड ईयर के, संविधान, आपकी पहली यूनिट है संविधान। संविधान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा द्वारा जो बनाए गए जो कानून है उसे क्या कहा जाता है? संविधान सभा कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा इसकी, जैसे क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से, संविधान के विकास क्रम के विचारों का उल्लेख कीजिए, तो सबसे पहले भूमिका बताओगे कि कहाँ बना संविधान, जैसे हमने पढ़ा इंग्लैंड में बना, किस शब्द से बनाया, कौन सी ट्यूरे शब्द से बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, प्रशासन या बनावट होता है, हमने ये भी पढ़ा था। इसके बाद जैसे बात करें कि अलिखित इंग्लैंड का है तो लिखित अमेरिका का है, सबसे बड़ा भारत का है तो सबसे नवीन नेपाल का है, एशिया में जापान का है, इसके अलावा विश्व में सबसे प्राचीन जो है वो हमने पढ़ा था किसका है, बात करें इंग्लैंड का है। इसके बाद हमने ये भूमिका परिचय लिखने के बाद आप लिखोगे कि संविधान का विकास क्रम, संविधान का विकास क्रम प्रारंभ होता है, वैसे मुख्य तौर पे आपको ये 1909 और 1900
1919 वाले अधिनियम है, लेकिन हमें 1773 से प्रारंभ करना पड़ेगा ताकि आपको पीछे का मैटर भी समझ में आ जाए। 1773 में कंपनी ने अपना प्रथम चरण, माना जाता है कहने का मतलब शासन के लिए जो नियम बनाए थे, वो प्रारंभ कर दिए। फिर 1700 प्रारंभ किए तो इन्होंने जो जो सिस्टम किया, जैसे कहने का मतलब गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, या फिर बात करें न्यायालय की स्थापना कर दी। 1781 वाले एक्ट ने जितने भी कंपनी के भ्रष्टाचार थे उनको समाप्त कर दिया, और 1784 वाले ने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई है, और आगे जो वाले भाग में पढ़ेंगे इससे आगे जो विकास क्रम